रवीना टंडन आज 49 साल की हो चुकी है। आज इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अचानक मिले सलमान खान की मन्नतों से जुड़ गया रवीना टंडन का फिल्मी दुनिया से। 26 अक्टूबर 1972 को रवीना टंडन का जन्म बॉम्बे में हुआ था। प्रोड्यूसर रवि टंडन की बेटी है रवीना टंडन। मीटीबाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद रवीना टंडन जेनेसिस पीआर कंपनी में फोटोग्राफर प्रहलाद कक्कड़ के पास इंटर्नशिप करने लगी। जब भी कोई मॉडल नहीं होती थी तो रवीना का ही फोटोशूट किया जाता था। इन तस्वीरों की बदौलत रवीना को कई फिल्मों का ऑफर मिले, लेकिन वो हमेशा इनकार कर देती थी। एक दिन रवीना के पास उनके दोस्त का कॉल आया। दोस्त ने रवीना को इमरजेंसी में ऑफिस के नीचे बुलाया। जब वो नीचे पहुंची तो देखा उनके दोस्त सलमान खान के साथ उनसे मिलने आया था। उनके दोस्त ने कहा कि ये एक हीरोइन की तलाश में है और मैंने तुम्हारा नाम सुझाया है। उस समय सलमान खान फिल्म पत्थर के फूल में काम कर रहे थे और उन्हें उस फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी। शुरुआत में तो रवीना ने इनकार कर दिया, लेकिन उनकी दोस्त ने उन्हें मना लिया। उनके दोस्त ने कहा कि तुझे अगर फिल्मों में काम नहीं करना तो मत करना, लेकिन बस एक फिल्म में ये कर ले। तो रवीना टंडन फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। 1991 में रिलीज हुई फिल्म पत्थर के फूल हिट साबित हुई, जिसके लिए रवीना को फिल्म फेयर अवार्ड फार लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। एक ही फिल्म से रवीना रातों रात स्टार बन गई।